तो भाई जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई पबजी मोबाइल में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड बहुत जल्द आने वाला है भाई, जिसका हम पबजी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो भाई फाइनली पबजी ने आज इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट बता दी है कि भाई पबजी मोबाइल में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड कब आने वाला है, कब रिलीज हो जाएगा, कब ये अवेलेबल होगा, पूरी डिटेल के साथ आज पबजी ने ऑफिशियल बता दिया है। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भाई पबजी मोबाइल में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड कब अवेलेबल हो जाएगा, कब रिलीज होगा, क्या साइज होगा, पूरी डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोड के नोटिफिकेशन की, इस अपडेट की नोटिफिकेशन की। ठीक है, तो भाई इस अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा 8 या 9 मई को। भाई जब भी आप पबजी ऑन करेंगे तो भाई आपके सामने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन नोट्स आएगा, उस पर पूरी डिटेल के साथ आपको बताया होगा कि भाई ये मोड आने वाला है, इस पे ये सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आपको पूरी डिटेल के साथ बताया होगा, ये इसका साइज होगा, सब कुछ आपको बताया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई अपडेट आता है तो भाई यहाँ पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आता है, 3 या 4 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और उस नोटिफिकेशन के ऊपर पूरी डिटेल के साथ उन्होंने बताया गया होता है कि भाई इसका ये साइज होगा, इसमें ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको 8 या 9 मई को देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि भाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या है या फिर ये अवेलेबल कब होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे पबजी मोबाइल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे यहाँ पे एक पिक्चर डाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू क्रॉसओवर कंटेंट अवेलेबल सून। ठीक है भाई, ये पोस्टर उसी अपडेट का है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड का अपडेट का पोस्टर है और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं लिखी हुई है 2021/5/11। ठीक है, तो भाई इसका मतलब है भाई 5वें महीने की 11 डेट को ये मोड अवेलेबल हो जाएगा ऑफिशियल। तो भाई 11 मई को सुबह 5 बजे ये मोड अवेलेबल हो जाएगा, तो भाई 11 मई को आप ये मोड खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पबजी की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर है, यहाँ पे इन्होंने मोड का नाम भी बता दिया है और यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अवेलेबल डेट भी बता दी है। अब बात करते हैं कि भाई इस मोड या फिर अपडेट का साइज क्या होगा। अगर आप पबजी में डायरेक्ट अपडेट करते हैं तो भाई इस अपडेट का साइज होगा 600 या 700 MB। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये डायरेक्ट अपडेट सिर्फ ताइवान वर्जन या फिर केयर वर्जन, कोरिया वर्जन में अपडेट होगा, वो भी टैप टैप ऐप से। तो भाई अगर आप ग्लोबल वर्जन पे अपडेट करेंगे तो भाई वहाँ पे ये अपडेट नहीं होगा, आपको पूरी की पूरी पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे ओनली आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ओनली अपडेट सिर्फ आप केयर वर्जन या फिर ताइवान वर्जन में कर सकते हैं, आप ग्लोबल वर्जन में अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपको ग्लोबल वर्जन पूरा का पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, आप सिर्फ अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन का जो साइज होगा वो होगा 1.3 GB का, मतलब के 1300 MB का या फिर 400 MB का, मतलब के 1.5 GB के आसपास ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट अपडेट करते हैं पबजी मोबाइल का केयर वर्जन या फिर ताइवान वर्जन, वो होगा 600 MB का या फिर 700 MB का। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर आप ग्लोबल वर्जन डाउनलोड करते हैं तो भाई वो होगा 1.5 GB या फिर 1400 MB का, मतलब के पबजी ग्लोबल का ये 1.5 GB का डाउनलोड होगा। ठीक है, तो भाई इसी तरह आप देख सकते हैं कि भाई मैंने इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बता दिया है, ये अवेलेबल कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका साइज क्या होगा, पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।